ठीक है, ये रहा हाइग्रोमीटर। ठीक है, वो बोलेगा इसको डिफाइन करने के लिए, सर दिस इज मेसन्स हाइग्रोमीटर यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। ओके, ह्यूमिडिटी पता चलती है कैसा होती है वो, पहले चाहे पार्ट्स बता दो कैसा लेंगे, और साथ में प्रिकॉशंस आप कंटिन्यू कर सकते हो साथ में, डिपेंड करता है आप कैसा बताना चाहते हो। सर दिस इज मेसन्स हाइग्रोमीटर यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। सर दिस इज फुल बॉक्स, फुल बॉक्स को बोलते हैं सर, दिस इज स्टीवनसन स्क्रीन या मरीन स्क्रीन बोल सकते हो, मोस्टली पब्लिक स्टीवनसन स्क्रीन बोलती है। ठीक है, सर दिस इज स्टीवनसन स्क्रीन एंड आई सर बिफोर टेकिंग द रीडिंग आई विल मेक श्योर दैट आई हैंग दिस मेसन हाइग्रोमीटर टू द विंडवर्ड साइड, और इफ जैसे कि आजकल शिप्स पे दोनों साइड में ऑलरेडी रहता है, आई एम हैविंग ऑन बोथ साइड आई विल टेक फ्रॉम द विंडवर्ड साइड, I'll take the reading from the windward side hygrometer. ठीक है, सर दीज आर लूवर्ड स्क्रीन। ठीक है, लूवर्ड इसका काम क्या होता है, हवा इधर से दूसरी जगह इजिली पास हो सके। ठीक है, सर दीज आर लूवर्ड स्क्रीन, इसकी इसके हिसाब की प्रिकॉशन की सर आई मेक श्योर दैट लूवर्ड स्क्रीन आर क्लियर फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, दीज आर क्लियर फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन सो दैट विंड कैन इजिली फ्लो फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ठीक है, ये इसकी प्रिकॉशन होगी। फिर अंदर सर दिस इज ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, दिस इज वेट बल्ब थर्मोमीटर, दिस इज विक मुस्लिन, दिस इज विक। ठीक है, दिस इज मुस्लिन कौन सा मुस्लिन, ये ऊपर का मुस्लिन, ऊपर का मुस्लिन ये थ्रेड जो है वो थ्रेड विक है, विक है। ठीक है, मुस्लिन ये ड्राई बल्ब वेट बल्ब, ये ड्राई बल्ब थर्मोमीटर वेट बल्ब थर्मोमीटर। दिस इज रिजर्वायर। ठीक है, इसके अंदर रहता है डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर डालने का। सर बिफोर टेकिंग द रीडिंग आई विल मेक श्योर दैट रिजर्वायर इज हैविंग इनफ डिस्टिल वाटर, मुस्लिम विक इज नाइसली डिप्ड इन द रिजर्वायर एंड it is nicely attached with the muslin and so that the muslin is wet, muslin wet hai and there is no salt impurity on the muslin and wick. ठीक है, ये आपने इसकी प्रिकॉशन बोली दी थी कि इट शुड बी क्लियर फ्रॉम, एक प्रिकॉशन ये थी विंडवर्ड में, सेकेंड और प्रिकॉशन इसकी आई विल मेक श्योर दैट देर आर नो इम्प्योरिटीज ऑन द थर्मोमीटर एंड द मर्करी थ्रेड इन साइड बोथ द थर्मोमीटर ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब is okay and it is not broken. ठीक है, ये इसकी precaution थी। तो इसमें principle क्या होता है इसका, जब इसमें पानी है ये गीला हुआ फिर wick वो muslin आगे से भी गीला होता है, तो जब muslin wet होता है तो इसमें evaporation होती है, evaporation के कारण ये ठंडा होता है, इसमें fall होता है temperature को, so there will be because of that evaporation there will be fall in the wet bulb thermometer's temperature and by taking the dry bulb thermometer reading and wet bulb thermometer reading, क्योंकि इसकी different reading हो जाएगी, अभी एक different reading हो जाएगी जो अगर ये 30 show कर रहा है इसमें अगर fall हो गया suppose 5 degree का तो it will be showing you 25 difference हो गया, and by subtracting both those the difference which अभी जैसे ये केस में तुम लोग को जो मैं example दिया हूँ 5 degree है, ठीक है, by taking dry bulb thermometer reading एंड द डिफरेंस, डिफरेंस को बोलते हैं वेट डिप्रेशन ऑफ वेट बल्ब, सो बाय टेकिंग द ड्राई बल्ब थर्मोमीटर रीडिंग एंड डिप्रेशन ऑफ वेट बल्ब आई विल गो इन द ड्यू पॉइंट टेबल एंड इन ड्यू पॉइंट टेबल आई विल गो ऑन द वर्टिकल साइड, ऑन द वर्टिकल साइड आई विल फाइंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर रीडिंग, ऑन द हॉरिजॉन्टल साइड आई विल फाइंड डिप्रेशन ऑफ वेट बल्ब। ठीक है, वेयर दे बोथ विल मीट that will be the dew point at that time. ये राइट कौन सा है? तो अभी 5 था। ये ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है। ओके, और वो? ये डिप्रेशन ऑफ वेट बल्ब है। ठीक है? हो गया? So this is the basic funda of how you take the temperature, how you take the readings. And ये मिलेगा कहाँ से dew point table? From अगर उसने पूछ लिया, normally पूछेगा नहीं, sir from Mariner's Handbook Chapter 5.
ठीक है। चैप्टर फाइव कौन सा है? मेट्रोलॉजी। अगर वो बोल देगा हाउ विल यू टेक द रीडिंग इन पोलर रीजन, पोलर रीजन में क्या होगा, सब कुछ आइस है, तो इसके अंदर ये भी आइस हो जाएगा, ये भी आइस हो जाएगा, तो उसमें इवेपोरेशन होइंग इज नॉट गेटिंग वेल, ठीक है, देयर इज नो इवेपोरेशन, सो यू विल आई विल पोर द वाटर ऑन द मुस्लिन एंड अलाउ इट टू फ्रीज, उसको फ्रीज होने दो, क्योंकि अगर तुमने जस्ट पानी है तो पानी अभी के टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म रहेगा, आइस ठंडी रहेगी, जब ही फ्रीज हो गया इवेपोरेशन विल टेक प्लेस, देयर विल बी फॉल इन द वेट बल्ब थर्मोमीटर, वंस इट इज स्टेडी आई विल टेक द रीडिंग, आई विल टेक द ड्राई बल्ब थर्मोमीटर रीडिंग, सब्ट्रैक्ट आई विल गेट द डिप्रेशन ऑफ वेट बल्ब, मेजर द ह्यूमिडिटी, ठीक है। अगर उसने बोल दिया सर्वेयर ने इफ बोथ द रीडिंग्स आर सेम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सर इफ बोथ द रीडिंग्स आर सेम आई विल चेक ऑल सारी प्रिकॉशन, स्क्रीन्स आर, थर्मोमीटर्स आर ओके, मर्करी थ्रेड इज नॉट ब्रोकन, देयर इज इनफ वाटर इन द रिजर्वायर, जैसे कि अभी देख रहे हो उसमें रिजर्वायर में पानी नहीं है, बोथ द रीडिंग्स आर सेम राइट नाउ, पानी नहीं है तो इवेपोरेशन नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज नाइसली डिप्ड इन द रिजर्वायर इन द डिस्टिल वाटर एंड इट इज नाइसली अटैच विद द मुस्लिन, ठीक है, एंड देर आर नॉट सॉल्ट, नो सॉल्ट इम्प्योरिटीज ऑन द मुस्लिन और विक, इफ स्टिल इट इज बोलता है स्टिल ऑल द थिंग फुली सैचुरेटेड, एयर इज 100% सैचुरेटेड एंड द चांसेज इज ऑफ आर ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन वही हो गया रेन मिस्ट फॉग स्नो सब, ठीक है। अगर उस पूछ लेता है कि वट काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन यू विल, आइस वगैरह होगी नहीं, आइस बन जाती होगी, तो सर स्नोफॉल या आइस, आइस एंड फॉग, और ट्रॉपिकल में आइस नहीं हो सकता, गर्मी है, फॉग नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता, ठीक है, तो ये एक प्रिकॉशन रहती है सर, आई विल टेक द रीडिंग एट द लेवल ऑफ आइस टू अवॉइड एरर ऑफ पैरेलल, एकदम सामने देखेगा आंख के तो ये इतना दिख रहा है 25, थोड़ा नीचे जाके ऊपर जाके दिखेगा तो डिफरेंट रीडिंग होगी अपने को, सो आई